हमने बुलाई है यहाँ पे, इसमें पार्टी के सारे जोनल प्रेजिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट की जो बॉडी है, ब्लॉक सदर और जोनल के जितने भी अहदेदारान हैं वो सारे यहाँ पे शामिल हुए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका जो मेन हमारा मकसद यही है कि जो मौजूदा हालात जो अभी बने हैं पार्टी में या जो मौजूदा हालात जिसकी वजह से हमारी जो सरकार है वो यहाँ से जो गई है, उस सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं अपनी पार्टी का जो जो बेसिक पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोग्राम हैं जो पार्टी के, उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने हमारी इस पार्टी को ज़िंदा रखा है और आगे जम्मू और कश्मीर को तरक्की के रास्ते पे ले गई थी, उसी तरह से हम चाहते हैं कि आगे भी वो जिस तरह से उसकी पॉलिसी है, जिस तरह से उसके प्रोग्राम है, पार्टी जो है उसी तरह आगे आगे जिस तरह से बढ़ रही है। डिस्ट्रिक्ट रजौरी की जितनी तंजीम है, जितने यहाँ के लोग हैं, अहदेदारान हैं और भी आम जो पब्लिक है, वो सारे शाना बशाना पार्टी के साथ हैं, महबूबा जी के साथ हैं। यही हम मैं जो हमारा मकसद है वो हम उनको कहना चाहते हैं। मैं उस बारे में यही कहूँगा कि जो महबूबा जी ने कहा, महबूबा जी ने ये कहा, अगर उसको आप पूरी तरह गौर से सुनेंगे, महबूबा जी ये कहा कि हमारी जम्मू और कश्मीर के लोगों ने बड़ी मुश्किल से जमहूरियत पे जो है यकीन किया है। अगर एक चुनी सरकार को उन्होंने नाम लिया कि किसका, दिल्ली से हो या कहीं बाहर की ताकतें, अगर इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनका जमहूरियत से जो है यकीन है वो उठ जाएगा। तो ये तो सबको पता है इस बारे में कि पिछले दिनों से जो अखबारों में मीडिया में आ रहा है कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो इन्होंने उसी जुमरे में मैडम जी ने ये कहा और यही कहा। मैडम जी यही कहना चाहती हैं, यही कन्वे करना चाहती हैं कि पार्टी पे जम्मू कश्मीर को जमहूरियत पे यकीन है। अगर जमहूरियत पे यकीन है, चुनी सरकार को अगर कोई गिराएगा और चुनी सरकार को के 6 साल के लिए लोगों को यहाँ का मैंडेट मिला है, अगर उसको गिराने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने उसी सिलसिले में यही कहा कि यहाँ के हालात खराब की बात। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप पिछले दिनों हमारे हॉनरेबल MLA साहब ने यहाँ पर डाकवाले में पार्टी वर्कर के साथ एक मीटिंग की है, उन्हें खामोश रहो, क्या हो गया है। हमारे पार्टी वर्कर्स के साथ हमारे हॉनरेबल MLA साहब ने एक मीटिंग की है, उन्होंने बड़ा वाजे तौर पर यह कहा कि सारी जो तंजीम है वो पार्टी के साथ है, महबूबा जी के साथ है, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और इस तरह के हमारे हॉनरेबल MLA साहब को पता है और ये भी उनको पता है कि जितने की यहाँ की आवाम है सब उनके साथ है और पार्टी के साथ है। हमारा ये कहना है कि हमेशा यहाँ पर जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए। आपने जो ये सवाल उठाया है कि महबूबा जी ने ये कहा है कि यहाँ 87 वाले हालात पैदा होंगे, होते हैं हालात पैदा, 87 में भी जो लोगों का मंडेट है उसके बीच जब गद्दारी की यहाँ के ही लोगों ने की और नेशनल पॉलिटिक्स ने ये किया, जब यहाँ पे फोर्सफुली किसी को बनाया गया, हक किसी का था, राइट किसी का था, किसी को बनाया तो अल्टीमेटली लोगों को वो जो दिल को ठेस पहुँचती है और जब ठेस पहुँचती है तो हालात पैदा होते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। 87 से भी बदतर हालात पैदा होंगे अगर वो कोई भी कंस्पिरेसी करेंगे और यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की जाएगी किसी पार्टी को, तो अल्टीमेटली लोगों का जो एतमाद है, वो जो कॉन्फिडेंस है, मसला है, ये मसला उनके लेवल का है। जब पार्टी में बड़ा आदमी होता है वो ये सारे क्राइसिस दूर करेंगे। हमारा जहां तक डिस्ट्रिक्ट का मामला है, हम डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट में पार्टी जो है पूरी तरह यूनाइट है। अपनी वजाहत ये करना चाहते हैं कि यहां का कैडर अगर जिला के अलावा महबूबा जी के साथ कोई नहीं रहेगा, हम तभी उनके साथ खड़े रहेंगे यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जिला रजौरी के लिए बिलखसूस और रजौरी पूंछ के लिए इस पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मुफ्ती साहब इस पर रीजन की अगर कहीं शनाख्त पूरी नेशनल लेवल पे हुई है तो वो मुफ्ती साहब की देन है और महबूबा जी की देन है। इसलिए हमारा ये मानना है कि हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और कोई भी हमारा एक भी आदमी जो है वो पार्टी से बाहर नहीं जा रहा है, न जाएगा। ये देखिए हमारी तरफ से जो मुफ्ती साहब ने जो इस हुकूमत बनाने का जो फैसला था, ये हिस्टोरिकल फैसला था, हम उसको मानते भी हैं, ये हिस्टोरिकल फैसला है। हम एक दीन और इस्लाम को मानने वाले लोग हैं और हमारा जब हम इस्लाम से ही हर टीचिंग्स को और प्रीचिंग्स को लेते हैं, हमारा उसको भी मानना है कि एक वक्त था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलेनामा हदेबिया किया था और हमारा शायद मुफ्ती साहब का वही एक कंसेप्ट था कि हम लोग एक ऐसी सुलह करें कि जिससे रियासत और हिंदुस्तान के साथ बैठकर हमारे जो मामला थे वो हल हो सके। मुफ्ती साहब ने दोस्त नहीं करता हूँ, आपने हमारे घर में नाराजगियाँ हो सकती हैं, हमारी लेजिस्लेटिव साहिबान से नाराजगी हो सकती है, हमारी किसी से, लेकिन हमारे अंदर का भी इशू है, उससे पार्टी लीडरशिप महबूबा जी से कोई नाराज नहीं है, पार्टी लीडरशिप से कोई, हमारे मकामी सतह पर घर के अंदर नाराजगी
हो सकती हैं हमारी, वो हम मिनिस्ट्रियों से हो सकती हैं, एमएलए से हो सकती हैं, सीनियर लीडर से हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक महबूबा मुफ्ती का साहब ताल्लुक है उनके साथ किसी की कोई नाराजगी नहीं। जम्मू में अगर हिंदू को वोट, हिंदू का वोट जो है वो बीजेपी को मिला और मुस्लिम वोट जो है श्रीनगर के अंदर तीन पार्टियों को मिला, अगर लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर, अगर जम्मू के लोगों के जज्बात जिसके साथ जुड़े हुए थे, लोगों ने अगर किसी पार्टी को वोट दिया, मुफ्ती साहब ने उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों के एहसास, लोगों के जज्बात को ठेस ना पहुँचे, उसके साथ हमने जो है अलायंस इसलिए किया कि लोगों को ये महसूस ना हो कि जम्मू के लोगों ने अगर 25 सीटें जो हैं बीजेपी को दी हैं, हमने उनके साथ अलायंस किया। अगर जमहूरी निज़ाम को पीडीपी ने जिंदा रखा हिंदुस्तान के अंदर, जैसे आपने कहा सलाहुद्दीन, 1986 के अंदर ये जो गलती जो की थी वो एनसी और कांग्रेस ने की थी, जो अकार्ड किया था और सलाहुद्दीन को जो है मिलिटेंट बनाया और 32 आदमी जीते थे, जिसकी वजह से फारूक साहब ने उनको अंदर किया और उन लोगों को हरवाया और अपने आदमी जो है जबरन जुदवाए और सेंटर जो है वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत थी और उनके कहने के ऊपर जो है स्टेट के अंदर हुकूमत बनाई, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। वो 30 साल से इस वक्त तक जो है अफरा तफरी है, ये जो अफरा तफरी पैदाई है ये फारूक अब्दुल्ला साहब की देन है जम्मू कश्मीर के अंदर, ना कि पीडीपी की है। पीडीपी को अगर किसी ने जिंदा किया, तैयार किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है, और पीडीपी को जो जम्मू कश्मीर के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है एक ऑप्शन पैदा किया कि लोगों के जज्बात की साइड है, लोग क्या चाहते हैं, अगर हम हिंदुस्तानी हैं, हमने अगर आइन को माना है, तस्लीम किया है, आप लोगों को भी और मोदी जी को भी इस चीज़ का एहसास रखना चाहिए कि लोग किस साइड पे जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप अगर इस वक्त जो है आप किसी वजह से जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अगर यहाँ से भाग के जाते हैं, आप ये नहीं समझते हैं कि जमहूरी निज़ाम को ठेस पहुँचेगी, लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचेगी। हम ये चाहते हैं कि जितनी देर तक लोगों का एतबार ना लिया जाए, लोगों को साथ ना लिया जाए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे पीडीपी हो, हालात जिस जैसे साजगार हों, जैसे लोगों को मुनासिब लगा कि गवर्नर राज चाहिए, गवर्नर रूल जो है इस वक्त लग गया, अच्छा चल रहा है, हम नहीं कहते हैं कि किसी हुकूमत बने किसी ना, लेकिन लोगों के साथ, लोगों के जज्बात के साथ नहीं कहना जाए। पर लोगों ने तो कभी नहीं, इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार बीजेपी का, देखो आज तक मैडम जी ने ये नहीं कहा है कि बीजेपी वालों ने मेरे साथ कुछ किया, वो तो अमित शाह जी ने खुद बोला है कि डेवलपमेंट नहीं हुई। अब ये उनको पता होगा कि अगर उनके एमएलए जो है, जैसे आपने बोला कि 300, ये 300 में उनको खुद बोलना चाहिए कि हमें पैसा नहीं मिला, हमारा डेवलपमेंट नहीं हुई। आप तो सेंटर करेगी उसका खमियाजा क्या है, स्टेट को भी भुगतना पड़ेगा और पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। सेंटर इन्वॉल्व नहीं है तो हुकूमत कैसे टूटी हमारी, नहीं अगर सेंटर इन्वॉल्व नहीं है तो हमारी रात को हमारी मैडम कहीं पे प्रोग्राम में थी तो नीचे से हुकूमत चलेगी, तो ऐसे फर्दुल की हुकूमत भी चलेगी। आप कहते हो सेंटर इन्वॉल्व है, ये कोई बात है, सेंटर तो इन्वॉल्व होता है तो सब कुछ होता है, पैसा